हाई एवरी वन, वेलकम टू यू जी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 847। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर रोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ एक सेशन, जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। सो आज है डे 117 और आज के इस सेशन में मैं आपको बहुत प्यारा सा रूल समझाने वाली हूँ, जिसमें आपका रूल कहता है कि कभी भी दो कंजंक्शन को एक साथ यूज़ नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपके पास वो पेयर्स में ना हो। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैंने वर्ड लिख दिया नीदर, तो आपको पता है नीदर का पेयर क्या होता है? नॉर, राइट। ईदर का पेयर क्या होता है? और। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है? बट ऑल्सो, राइट। और बोथ, बिटवीन का पेयर क्या होता है? एंड। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके पास अपने पेयर्स होते हैं, है ना। लेकिन कई बार आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ भी पेयर लगा देते हो जिनका कोई पेयरिंग वर्ड होता ही नहीं है। जैसे कि कई बार मैंने देखा है इफ और वेन के साथ आप क्या लगा देते हो, आप देन लगा देते हो, सिंस और बिकॉज के साथ आप सो देयरफॉर और एज लगा देते हो, जो कि गलत है। दिस इज रॉन्ग, ये भी गलत है। ऑल्दो के साथ आप बट लगा देते हो। ऑल्दो का अगर पेयर बनाना ही है तो येट से बनाओ, नहीं तो कॉमा लगा करके सेपरेट कर लो। अनलेस और अंटिल का कोई पेयर नहीं होता, ठीक है ना, फिर भी आप देन से उसको पेयर कर देते हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द रीज़न वाई, इसका भी कोई पेयर नहीं होता, इसको भी लोग क्या करते हैं, बिकॉज से पेयर कर देते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। सो जब तक आपको कोई पेयरिंग कंजंक्शन दिया नहीं गया, तब तक आप ज़बरदस्ती कोई भी कंजंक्शन को पेयर मत करें। जैसे मैंने कहा इफ यू से देन आई विल स्पीक, When she will speak, I will write. ठीक है, सो इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो when के साथ मैंने क्या नहीं किया, when के साथ मैंने कोई वर्ड पेयर नहीं किया, जबकि लोग कर देते हैं when के साथ then. If के साथ आपने क्या पेयर कर दिया, then पेयर कर दिया, जो कि गलत है, this is wrong. आपको कॉमा लगा करके सेंटेंस को सेपरेट कर देना। हाँ, ये याद रखना कि कोई भी कंडीशनल वर्ड होगा वो कभी भी आपका फ्यूचर में नहीं जाएगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, क्या लगा दोगे, यस, राइट। सिमिलरली मैंने कहा सिंस ही इज इल सो हिल नॉट गो, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो नहीं जाएगा, ये कई बार आप लोग बोलते हो, है ना। सो द सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। हाउ विल यू डू द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, आपको उसमें से क्या रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव सो, आप सो को रिमूव कर दो, है ना, और सेपरेट सेंटेंस बाय कॉमा, दैट इज इट। समझ में आ गया? तो चलो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देकर के जा रही हूँ आप लोगों को, और आपने मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि उसका करेक्शन क्या होगा। मैंने कहा द रीजन वाई आई हेट हिम इज बिकॉज I love someone else. आपको बताना है सेंटेंस में what is wrong. So आपका मैं वेट कर रही हूँ इन द कॉमेंट सेक्शन, जल्दी से मुझे फटाफट आंसर करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।